दोस्तों नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर त्रिकोणमितीय फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है। अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे कमेंट करें, चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सुरेंद्र खिलेरी की 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। समझ आ गया? यहाँ पे कोण किस में पूछा है, इसने डिग्री में पूछा है। तो दोस्तों हम फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही देखिए मैंने यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिख दिया है कि चाप की लंबाई बराबर त्रिज्या गुणा कोण होता है। और ये कोण यहाँ पे किस में रहता है दोस्तों, रेडियन में रहता है। ओके समझ आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ देखो इसने चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, 22 सेमी लंबाई की चाप, L बराबर कितना 22 सेमी। ओके और त्रिज्या को किससे लिखते हैं दोस्तों, R से लिखते हैं। थीटा को कोण को किससे लिखते हैं, थीटा से लिखते हैं। और त्रिज्या कितनी दे रखी है दोस्तों इसने, R बराबर आपका 100 सेमी दे रखा है। ओके और यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, थीटा आपको ज्ञात करना है, वो भी किस में, डिग्री माप में इसने पूछा है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करते हैं, लंबाई कितनी 22 सेमी दे रखी है, त्रिज्या कितनी आपकी 100 सेमी है, कोण थीटा ओके इसमें है, ये आपका रेडियन में है। ओके मैं क्या काम करता हूँ, इसको इस साइड ले आता हूँ 100 को। तो देखो एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में होता है जब उसका साइड चेंज किया जाता है तो वो किस में आ जाता है दोस्तों, डिवाइड में आ जाता है। और ये किस में है, रेडियन में है। हमें यहाँ पे किस में वैल्यू चाहिए दोस्तों, डिग्री माप में वैल्यू चाहिए। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या काम करते हैं, देखो आपका जो एक डिग्री है वो होता है दोस्तों पाई बाई आपका 180। इसको देखो हमें क्या चाहिएगा, ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ पर एक रेडियन का वैल्यू चाहिएगा। एक रेडियन बराबर जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 180 बाई पाई डिग्री होता है। ओके तो यहाँ पर इतने रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा, इसको हम इस डिग्री वैल्यू से, एक रेडियन का जो डिग्री वैल्यू है उससे गुणा कर दें। इसी के साथ ध्यान रखना अब ये एंगल पूरा किस पे बदल चुका है आपका, देखो डिग्री में बदल चुका है। और डिग्री में बदलने के बाद हम पाई का जो वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे दोस्तों 22/7। ओके तो यहाँ पाई का वैल्यू मैं रख देता हूँ 22/7। ये आप गांठ बांध दो कि डिग्री में एंगल आ चुका है तो पाई का वैल्यू रखना है 22/7। पाई कैंसिल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो वैल्यू रखना ही पड़ेगा। और ये जो डिवाइड 7 है आपका ऊपर आ जाएगा, यहाँ देखो 22 से 22 आपका कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर दो आप, या ऐसा करो देखो ये आपका 2 से कितना 5 टाइम कैंसिल होता है, ये 2 से कितना दोस्तों का 9 टाइम कैंसिल होता है, 9 × 7 आपका 63 आ गया। और बाई कितना है 5, और ये किस में है, डिग्री में। क्या दोस्तों इसको यहाँ तक छोड़ना है, नहीं इसको आगे सोल्व करना है। देखो इसको आगे मैं है जो यहाँ सोल्व करता हूँ, आगे सोल्व करें, देखिए इसमें हम 5 का डिवाइड करें तो आपका कितने टाइम कंप्लीट होगा, 1 टाइम ठीक है, माइनस किया 1 3 आ गया, 2 टाइम कंप्लीट हो गया, कितना आपका 3 रिमाइंडर आ गया यानी। और ये किस में 12 डिग्री प्लस रिमाइंडर कितना 3/5, और ये किस में डिग्री। अब ये जो डिग्री है इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, जो इस प्रकार से एक्स्ट्रा आती उसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे, 60 से गुणा करते हैं, और मिनट का साइन आपका ये रहता है। अब देखो 5 से ये कितना आपका
वन टाइम टू टाइम कैंसिल हो गया, बार तिया कितना होता है 36 होता है, यानी 12 डिग्री और 36 मिनट है जो आपका कोण आ गया। ओके, तो ये रहता है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।